नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में आज से नहीं होगी बिजली किल्लत। बिहार कैडर के 22 आईएएस अफसरों को 18 जुलाई से मिलेगा प्रशिक्षण। राज्यसभा के बाद अब विधान परिषद चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। सुपर 30 के आनंद कुमार आपसे हर हफ्ते करेंगे मुलाकात। देश भर में बढ़े कोरोना के मामले। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में आज से नहीं होगी बिजली की किल्लत। अब बिहार वालों को इतनी गर्मी में बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एनटीपीसी के पूर्ण स्वामित्व वाली नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी एनपीजीसी के थर्मल पावर स्टेशन के 660 मेगावाट की तीसरी इकाई ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है, जिसके बाद अब बिहार को आज से 559 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने लगेगी। इसके बाद बिहार को एनटीपीसी से कुल 5922 मेगावाट बिजली मिलेगी। वहीं एनपीजीसी से बिहार को 1122 मेगावाट की जगह 1680 मेगावाट बिजली मिलेगी। आपको बता दें कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने इस परियोजना की 84.8% बिजली गृह राज्य बिहार को आवंटित की है। बिहार कैडर के 22 आईएएस अफसरों को 18 जुलाई से मिलेगा प्रशिक्षण। बिहार कैडर के 22 आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। इन 22 आईएएस अफसरों को अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत मसूरी ले जाया जाएगा। मसूरी में इन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री स्थित राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 18 जुलाई से 12 अगस्त तक प्रशिक्षण देने का काम होगा। बिहार के जिन 22 आईएएस अफसरों को ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाएगा, उनमें से नीति आयोग के परामर्शी कुंदन कुमार, स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली पलका साहनी, सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव अभय कुमार सिंह, शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण, भवन निर्माण के सचिव कुमार रवि समेत 22 आईएएस अधिकारी इसमें शामिल है। सुपर 30 के आनंद कुमार आपसे हर हफ्ते करेंगे मुलाकात। सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार के संघर्षों की कहानी शायद ही किसी ने नहीं सुनी होगी। अब ये चेहरा किसी भी पहचान का मोहताज भी नहीं है। इसी कड़ी में अपनी चमक बिखेरने और फिर देश की प्रतिभाओं को निखारने और प्रोत्साहित करने एक बार फिर से आनंद कुमार हम सबके बीच आ रहे हैं। जी हाँ, ये बात खुद उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए बताई है। उन्होंने एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि 5 जून से लगातार 12 सप्ताह रविवार और शनिवार 9:30 बजे रात को एनडीटीवी पर हम आपकी आइकॉन ऑफ भारत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने किसी के अधीन नौकरी करने के बजाय अपना खुद का कुछ रोजगार खड़ा किया और कई लोगों की जिंदगियां बदल दी। और इस कार्यक्रम में मुझसे आपकी हर हफ्ते मुलाकात होगी, लेकिन किस रूप में जानना चाहते हैं तब जरूर देखिए कार्यक्रम। मेरा यकीन है कि इस कार्यक्रम से देश के युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी। बिहार के इस जिले में फैलेगा एनएच का जाल। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच हुई बातचीत के बाद बिहार के भागलपुर को भारतमाला फेज 2 का लाभ मिलने पर सहमति जताई गई है। इस परियोजना से अगले 5 साल में सड़कों की लंबाई मौजूदा समय में दोगुनी हो जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतमाला फेज 2 से सुल्तानगंज देवघर कांवरिया पथ को जोड़ने पर हामी जताई है। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार बक्सर से भागलपुर तक करने पर सहमति बनी है। भागलपुर में जाम की समस्या को देखते हुए शहर के बाहरी हिस्सों को जोड़ती रिंग रोड भी बनाने पर सहमति बन गई है। साथ ही इसके अलाइनमेंट के टेक्निकल फॉल्ट को दूर करने राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी जल्द भागलपुर आएंगे। पटना हाईकोर्ट में बढ़ी जजों की संख्या। पटना हाईकोर्ट में सुनवाई में अब तेजी आएगी, क्योंकि पटना हाईकोर्ट में न्यायिक सेवा कोटे से 7 जजों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार न्यायिक सेवा कोटे से शैलेंद्र सिंह, अरुण कुमार झा, जितेंद्र कुमार, आलोक कुमार पांडे, सुनील दत्ता, चंद्र प्रकाश सिंह और चंद्रशेखर झा पटना हाईकोर्ट के नए जज बनाए गए हैं। 4 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक सेवा कोटा के 7 अधिकारियों का पटना हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति की अनुशंसा कर दी है। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने अधिसूचना जारी किया है। इसके बाद अब पटना हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या 50 हो गई है। इसके पहले कुल जजों की संख्या 27 ही थी। कहीं उमस भरी गर्मी तो कहीं बिजली और ठनका को लेकर अलर्ट जारी। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के सभी जिलों का मौसम बदला हुआ है। खासकर दक्षिणी बिहार में तेज हवा के बीच गरज के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश भी हुई। बारिश के बाद मौसम थोड़ा ठंडा भी हुआ, लेकिन आज फिर से उमस वाली गर्मी का खतरा बढ़ा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन उमस वाली गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं उत्तरी बिहार के तकरीबन सभी जिलों में अगले 4 दिन जबरदस्त आंधी
पानी के आसार है। इस दौरान ठंड का गिरने की आशंका जताई गई है। आईएमडी ने उत्तरी बिहार के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कमोबेश पूरे प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। दरअसल बिहार के रास्ते एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, इसकी वजह से ही इस क्षेत्र में चक्रवाती कम दबाव का केंद्र उत्तर बिहार बन रहा है। पुरवैया चलने से उमस भरी गर्मी से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। बिहार के 715 पैक्सों में आज ही संपन्न होगी जांच। पैक्सों की मनमानी का काला सच अब सामने आएगा। धान और गेहूं की खरीद में गड़बड़ी और किसानों को परेशान करने वाले राज्य भर के 715 पैक्सों की जांच आज हो रही है। दरअसल ये जांच जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आई शिकायतों के आधार पर सहकारिता विभाग ने जांच दल गठित की है। इसकी खास बात यह है कि बिहार के करीब 715 पैक्सों की जांच आज ही पूरी करनी है। जांच के आधार पर पैक्सों की कार्रवाई पूरी करनी है। दरअसल याचिकाकर्ता की शिकायत ये थी कि पैक्स में धान और गेहूं देने के 48 घंटे में ही किसानों को सरकार द्वारा तय किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का प्रावधान है, लेकिन किसानों को सही समय पर पैसा नहीं मिलता है। यही नहीं, पैक्स धान में नमी बताकर खरीद नहीं करते हैं। जातिगत जनगणना की सहमति को तेजस्वी ने बताया राजद की जीत। बिहार में बीते दिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बिहार के कई नेता शामिल हुए। राजद नेता तेजस्वी यादव को तो इस बैठक में शिरकत करना ही था। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान खुद की जीत बताई है। वहीं तेजस्वी यादव ने जनता को ये भी समझाने की कोशिश की कि ये जातिगत जनगणना नहीं, जाति आधारित सर्वे है। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय जनगणना का फैसला राजद की जीत है। तेजस्वी ने कहा कि जब संसद में सरकार ने जातीय जनगणना से इनकार कर दिया तो हम लोगों ने राज्य सरकार पर दबाव बनाया। हमने राज्य सरकार से खुद गणना कराने की अपील की। मालूम हो कि जातिगत जनगणना पर हुई सर्वदलीय बैठक में एकमत होने से मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। राज्यसभा के बाद विधान परिषद चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 31 मई को खत्म हो गई थी। अब विधान परिषद के लिए नामांकन आज से शुरू हो रही है, जो कि 9 जून तक चलेगी। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर 20 जून को चुनाव होना है। इन 7 सीटों में से 3 पर राजद की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है, लेकिन विधान परिषद के लिए एनडीए उम्मीदवार के नामों की फिलहाल घोषणा नहीं हुई है। राजद की तरफ से मुन्नी देवी, मोहम्मद कारी सोहेब और अशोक कुमार पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा और जदयू उम्मीदवार के नामों पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। बिना प्रभारी भाजपा की हुई कार्यसमिति बैठक। कटिहार जिले में भाजपा की 2 दिवसीय कार्यसमिति बैठक बीते दिन संपन्न हुई, लेकिन इस बैठक में बिहार के कई दिग्गज नेता मौजूद ही नहीं रहे। बैठक में बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी हरीश द्विवेदी, पूर्व डिप्टी राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव भी शामिल नहीं हुए। उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस बैठक का समापन संबोधन किया। अपने संबोधन में तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने मूल्यों के साथ पूरी मजबूती से बिहार में खड़ी रहेगी। अपनी वैचारिक मजबूती के कारण आज भाजपा एक तरफ खड़ी है, सारे दल दूसरी तरफ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो कहा सो किया। भारतीय जनसंघ ने जो मूल्य दिए हैं उसे फलीभूत करना भाजपा के हर कार्यकर्ता का दायित्व है। कार्यकर्ता अपनी पार्टी की यात्रा से प्रेरणा लेकर काम करे। कभी 3 सांसदों से आरंभ करके हम आज संसद में 303 तक पहुंच गए हैं। देश को सबसे अधिक आईएएस देने वाले बिहार में आईएएस अधिकारियों की कमी। देश को सबसे ज्यादा आईएएस देने वाले बिहार में ही आईएएस अधिकारियों के लाले पड़ गए हैं। बिहार को जितनी जरूरत है उसमें भी कम आईएएस उपस्थित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कमी का राष्ट्रीय औसत 22% है, वहीं बिहार में ये औसत 43% है। मतलब आईएएस के लिए करीब करीब आधा पद खाली है। अधिकारियों की कमी के कारण राज्यों को कैडर पदों पर गैर कैडर अधिकारियों की नियुक्ति करने की नौबत आ चुकी है। बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कुल स्वीकृत 359 पद है, जिसमें 157 पद खाली है, यानी 43% अफसरों की कमी है। सिर्फ 202 पदों पर ही अधिकारी कार्यरत है। मुख्यमंत्री ने मुकेश सहनी और चिराग पासवान को नहीं भेजा निमंत्रण। बिहार में लंबे समय से जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष द्वारा सर्वदलीय बैठक की मांग पूरी हुई और बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियों के अहम सदस्य को सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भिजवाया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेता वहां पहुंचे, लेकिन शायद मुख्यमंत्री वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी और रालोसपा अध्यक्ष चिराग पासवान को न्योता देना भूल गए। इसके लिए मुकेश सहनी ने कड़ी आपत्ति जताई है। वीआईपी नेता का कहना है कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों को बुलाया जाना चाहिए। उनकी पार्टी हमेशा से जातीय जनगणना की पक्षधर रही है। सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाए जाने को लेकर मुकेश सहनी ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को पत्र भी लिखा है। देश भर में बढ़े कोरोना के मामले।
देश के साथ साथ बिहार में कोरोना के मामले फिलहाल स्थिर है, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में संक्रमण दर में थोड़ी कमी आई है। राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बीते 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 41 है। वहीं राज्य में 79,136 सैंपल की जांच हुई, जिसके बाद राज्य में 9 कोरोना के मामले पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें 5 राजधानी पटना के हैं। भागलपुर जिले में 2, भोजपुर और वेस्ट चंपारण में 1-1 कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं देश भर की बात करें तो आज यानी गुरुवार को जारी किए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 3712 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा है। तेज प्रताप के ट्वीट ने फिर मचाई खलबली। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने अपना ट्वीट कर सियासी हलचल पैदा करने की कोशिश की है। इस ट्वीट पर काफी लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। तेज प्रताप यादव ने आज एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि आखिर किसका दिन खराब चल रहा है, उस अभिनेता की या उस मोटे वाले नेता की। राजद विधायक आगे लिखते हैं कि शायद देश की। तेज प्रताप यादव ने इस ट्वीट पर किसी के नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका निशाना कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के नेताओं पर दिखता है। इस ट्वीट में ही कई लोग अपनी प्रतिक्रिया में भी इसका जिक्र कर रहे हैं। दीपक चाहर ने जया संघ लिए 7 फेरे। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने बुधवार को जया भारद्वाज के साथ शादी के बंधन में वो बंध गए हैं। आगरा के 5-स्टार होटल जेपी पैलेस में उनकी शादी हुई। दूल्हा बने दीपक चाहर घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजे के साथ बारात लेकर होटल पहुंचे। क्रीम कलर की शेरवानी और राजस्थानी साफा पहने हुए दीपक का लुक देखते ही बन रहा था। इस शादी में कई पॉलिटिकल और बड़ी हस्तियां दीपक और जया को बधाई देने के लिए पहुंचे थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है बजरंगी मुखिया, नुनु कुमार, दिलीप राम, उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, नीतीश कुमार, रंजीत यादव, वीरेंद्र मंडल, मुकेश ठाकुर। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या आपके क्षेत्र में अभी भी बिजली की समस्या है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।